अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैफ़ अहमद। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूं। पूरे एक हफ्ते के बाद आज मैं आप लोगों से रूबरू हुआ हूं। वीडियो ना आने की वजह ये थी कि वक्त, भैया वक्त की किल्लत है अपने पास। मेरी जॉब है वो यार बड़ी अजीब व गरीब जॉब है। उसकी जो टाइमिंग है वो हफ्ते में सुबह 6 से 3 रहती है, उसके बबाद फिर हफ्ता चेंज होता है, फिर 3 से 12 हो जाती है। तो ये जो पूरा हफ्ता मेरा बीतता है वो सिर्फ खाना सोना खाना सोना ये रहता है। जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट रहती है उसमें मेरा फ़ायदा रहता है। तो पूरा एक हफ़्ता मेरी वो नाइट वाली शिफ्ट थी जिस वजह से वीडियो नहीं आ पाई, और अब मेरी मॉर्निंग शिफ्ट आज पहला दिन था। तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों से रूबरू हुआ जाए और इस वीडियो ना आने की वजह बताई जाए। आगे बढ़ने से पहले जो मूछें दिक्कत दे रही हैं, पहले इन्हें काटना ज़रूरी है। अब सही है, मूछ कट गई है, अब सही लग रहा है। तो एक मूछ भी होती है जिसकी वजह से शक्ल पूरी बर्बाद लगती है, तो उसे भी वक्त पे सेट करना ज़रूरी होता है। तो आते हैं टॉपिक पे, वक्त पे, कि हमारे पास वक्त नहीं है किसी भी चीज़ का। खैर वक्त से याद आया, बात हो रही थी जॉब पर कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ या मैं जॉब छोड़ दूँ, इस पर बात हो रही थी। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने बताया कि यार मेरे पास वक्त नहीं है। तो मेन चीज़ यही है कि जॉब या यूट्यूब दोनों में से कोई एक चीज़ पकड़ना पड़ेगा अगर मैं बाहर रह रहा हूँ तो। और अगर यही सेम सिचुएशन तब होती जब मैं इंडिया में था, तब तो यार मेरे पास वक्त ही वक्त था। पबजी खेल के वक्त बर्बाद किया करते थे, दिन भर पबजी खेलें। और अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें भी जो ये सेकंड चल रहा है ना, ये भी वक्त मेरा जा रहा है, ये भी खल रहा है। तो कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी जॉब छोड़ने का कोई ऐसा चांस है ही नहीं और ना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यार कम से कम एक पर मंथ मेरी सैलरी आती है और यूट्यूब का अभी कोई अता पता नहीं है। और यूट्यूब से बस इतना है कि यार मैं क्या बताऊँ कितना है, रिवील नहीं कर सकता मैं। इतना जानिए, अगर आप कोई फ़ोन ले लें या कुछ भी ले लें, उसकी जो पर मंथ की किस्त होती है ना, बस वो आप अदा कर सकते हैं। यूट्यूब की इनकम मेरी इतनी हो रही है बस। तो पर मंथ की किस्त मैं आपको क्या बताऊँ, आप मान लें 1000 से 2000 के बीच में, या 2000 से 3000 के बीच में, इतनी मेरी अभी इनकम महीने की हो रही है यूट्यूब से, इंडियन की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसा कोई सीन तो है नहीं, सिंपल सी बात, अभी तो स्टार्टिंग है। और जब इतनी हो रही है यार, लोग मतलब थोड़ा खलता है जब मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ और जब वो थोड़ा व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते हैं तो थोड़ा सा बुरा फील होता है, क्योंकि लोग मैं देखता हूँ माय फर्स्ट व्लॉग लिख कर वायरल हो जाते हैं, पहली वीडियो वायरल उनकी और 4-5 लाख व्यूज़ आ गए उस पर, 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर आ गए, और फिर वो हर वीडियोज़ डालते हैं, फिर वो चलने लगती है। जाहिर सी बात है उनके पास वक्त भी होता है, और फ़िलहाल अभी मेरे पास वक्त भी नहीं है। प्लस वही चीज़ है कि वीडियो यार चलती नहीं है। अगर मैं कहीं जाता हूँ, कहीं कोई चीज़ दिखाता हूँ तो वो नहीं चलती है, लोग जॉब के चक्कर में मेरी वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं। और जॉब से रिलेटेड वीडियोस डालना डेली मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि डेली इतनी जॉब है कहाँ पर। कतर में तो फ़िलहाल कंडीशन बहुत बुरी चल रही है जॉब के लिहाज से, और बस लोग वही हैं कि जॉब की ही वीडियो देखना चाहते हैं, तो फ़िलहाल वो तो नहीं हो पाएगा। तो अब मैं अपने इस चैनल को जॉब की वीडियोस, जब जॉब के बारे में पता चलेगा मैं आके बताऊंगा, नहीं तो फिर भैया डेली व्लॉग आने वाले हैं, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। तो क्योंकि मेरी भी है कुछ सिस्टम, मुझे भी अपना कुछ देखना है, ठीक है। जॉब के भरोसे नहीं बैठ सकता मैं, क्योंकि भरोसा है भी नहीं। मेरी कंपनी में भी लोगों को निकाले, मेरी कंपनी में से भी लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि गर्मी जो चली है ना, इसमें क्या हुआ है कि सिस्टम काफ़ी ख़राब हो चुका है सबका, चाहे वो स्टंट हो चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, सबके हाल इस टाइम खस्ता हाल चल रहे हैं। तो जो लोग भी कतर आज़ाद वीज़े पे आने की सोच रहे हैं, मैं फिर से कई बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, भैया अभी मत आओ, ठंडक तक का वेट करो, ठंडक तक का आप वेट करिए फिर ही आइए। और आज़ाद पे तो मत ही आओ तो बेहतर है, डायरेक्ट वीज़ा तलाश करो, भले ही 1-2 महीना सर्च करने में वक्त लग जाए, लेकिन 1-2 महीना सब्र कर लो, वहाँ रह जाओ। क्योंकि अगर आप आ जाओगे नहीं मिलेगी तो फिर आपको जाना पड़ेगा। मैं देखता हूँ हर हफ्ते कोई ना कोई हमारे जो फ्लैट है इसमें से कोई ना कोई छोड़ के जा रहा होता है, तो बड़ा देख के अफसोस होता है, बुरा फील होता है। तो कहना यही है कि आज़ाद वीज़ा मतलब बर्बादी, मैंने वीडियो बनाई थी उस पर, नहीं देखी तो जाकर देख लें, और फ़िलहाल आज़ाद वीज़े का चक्कर भी ना पालें। और जो लोग कुछ भी के चक्कर में हैं तो कुछ भी से बेहतर है कोई स्किल आप सीख लें, फिर जॉब मिलना आसानी होगी। तो आज कुछ बात यही करनी थी आप लोगों से, कि यार मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया था इसी चीज़ के लिए कि एक हफ्ते से वीडियो नहीं आई थी मेरी और वक्त नहीं मिल पा रहा था। बस डेली रूटीन यही था, खाना सोना जॉब पे जाना, खाना सोना जॉब पे जाना, बस यही। और गर्मी इतनी तेज़ हो रही है कि कहीं बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। अब जब मेरे पास वक्त मिला है
शाम में मुझे, तो देखेंगे एक दो दिन का, एक दिन में कोई प्लान बनाएंगे, कहीं जाना होगा कुछ दिखाएंगे। आप लोग भी अगर कुछ कतर में कोई सीन देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, इंशाल्लाह वहाँ पे हम जाके विजिट करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। और आज के व्लॉग में कहीं बाहर की कोई सीन नहीं है, बस थोड़ी सी बातचीत करनी थी आप लोगों से और अपने दिल का हाल बताना था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो अगर ऐसी वीडियोज़ के लिए आप लोग तैयार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तैयार हैं तो अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं, क्योंकि मुर्दे सब्सक्राइबरों की मुझे ज़रूरत नहीं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि सिर्फ आप वाली नहीं चलेगी ना कि सिर्फ जॉब 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 दूँ मैं, भाई मेरी भी लाइफ है। मैंने पहले ही बताया था, अपने फर्स्ट व्लॉग में ही बताया था कि ये जो मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, ये मैं लोग डायरी लिखते हैं, मैं एक वीडियोग्राफी तरीके से करके उसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। जब कभी हम बूढ़े होंगे तो देख कर इंजॉय करेंगे कि ये थे हमारे जवानी के दिन, हम क्या किया करते थे। खैर, तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, अलविदा, बाय, सलाम अलैकुम।